स्वागत है आपका मेरे चैनल होम लाइब्रेरी हिंदी में चिल्ड्रन सीरीज, जहां हम एक किताब चुनते हैं और उसको आसानी से समझ आने वाले एनिमेशंस और ग्राफिक्स के साथ प्रस्तुत करते हैं। आज हम बच्चों की किताब स्लीपिंग ब्यूटी का रिव्यू करेंगे। ये एक बहुत ही कलरफुल बुक है जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ये बुक किंडरगार्टन किड्स के लिए एकदम आइडियल है। इस बुक में जो सेंटेंसेस है बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही आसानी से बच्चों को समझ आ जाते हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा और एक रानी को एक बेबी गर्ल हुई। उसे देखने के लिए बहुत सारी मैजिकल फेरीज आई और उन्होंने कहा कि ये बच्ची तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। उन दोनों फेरीज ने बेबी गर्ल को आशीर्वाद दिया कि वो बहुत ही नेक और बहुत ही क्लेवर होगी। तभी वहां पे एक बुरी फेरी आई। उसने बेबी प्रिंसेस को देखा और कहा कि वाह, ये कितनी खूबसूरत है। तभी उसी पूरी फेरी ने उस राजकुमारी को देख के कहा कि इसकी फिंगर प्रिक होगी और ये मर जाएगी। तभी जो गुड फेरीज वहां पे थी, उन्होंने कहा कि वो बेबी राजकुमारी मरेगी नहीं, वो अपनी फिंगर को प्रिक जरूर करेगी, पर वो 100 साल के लिए सो जाएगी। साल बीते और वो राजकुमारी बड़ी हुई। बहुत ही ब्यूटीफुल और नेक इंसान थी वो। एक दिन प्रिंसेस को एक स्पिनिंग व्हील दिखा और उसको चलाते हुए उसकी फिंगर प्रिक हो गई। उसमें से खून निकला और वो सो गई। और उसके बाद महल में जो कोई भी था, राजा, रानी, सारे सिपाही, सब ही सो गए। साल बीतते गए और उस महल में बहुत ही कांटे, पेड़ सब उगने लगे। 100 साल बीत गए और उस महल के सामने से एक दिन एक राजकुमार गुजरा। वो राजकुमार सारे पेड़ों को काटते हुए महल के अंदर घुसा और उसने खिड़की से जब राजकुमारी को देखा तो दंग रह गया कि कितनी ब्यूटीफुल है ये। वे राजकुमार कमरे के अंदर गया, उसने प्रिंसेस को किस किया और वो प्रिंसेस अपनी नींद से उठ गई। सिर्फ वो ही नहीं, महल में सारे जिने जो सो गए थे सभी उठ गए। राजकुमार ने राजकुमारी के आगे शादी का प्रस्ताव रखा और राजकुमारी ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और वो दोनों खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।